1399 में दिल्ली सहित उत्तर भारत में मारकाट मचाने के बाद तैमूर लंग ने सिंधु नदी पार की। आज ही के दिन 1689 में औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या की। 1881 में आज ही के दिन रामनाथ टैगोर की प्रतिमा कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, के टाउन हॉल में स्थापित की गई। वो पहले भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा टाउन हॉल में लगाई गई। आज ही के दिन 1917 में ब्रिटिश फौजों ने बगदाद पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1918 में मॉस्को रूस की राजधानी बनी। 1948 में आज ही के दिन देश के पहले आधुनिक पोत जल उषा का विशाखापट्टनम में जलावतरण हुआ। आज ही के दिन 1963 में सोमालिया ने ब्रिटेन के साथ राजनयिक संबंध तोड़े। 1981 में आज ही के दिन चिली में संविधान लागू हुआ। राष्ट्रपति अगस्तो पिनोशे का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। आज ही के दिन 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता बने। 1990 में आज ही के दिन लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1999 में आज ही के दिन इंफोसिस नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। आज ही के दिन 2001 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन में विश्व चैंपियन बने। और आज ही के दिन 2006 में यूनानी संसद ने दाह संस्कार को अनुमति देने वाले कानून को बहुमत से पारित किया।